पश्चिम में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश अवस्थी जी हैं। सर, एक बार फिर आज पश्चिम में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मैसेज जाने वाला है पश्चिम से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर चुनावों में पश्चिम से ही रैली की शुरुआत करी है। मेरठ की धरती पे उनका सबसे पहला रैली हो चुकी है, दूसरी रैली सहारनपुर में आज हो रही है, और आज शाम को ही गाजियाबाद में रोड शो प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य लिया प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको लेकर के सभी कार्यकर्ता लोकदल के भी और भारतीय जनता पार्टी के जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरठ रैली में प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कार्यकर्ताओं से कि आप नरेंद्र मोदी जी का मैसेज लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और मोदी जी का प्रणाम कहकर के कहेंगे कि उन्होंने आपसे वोट मांगा है। तो कार्यकर्ता उसी को लेकर के, मोदी जी के उस ब्रह्म वाक्य को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, मोदी जी की गारंटी के साथ ही साथ अब इन्होंने कांग्रेस ने भी अपनी 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार झूठ बोल बोल करके, यहाँ तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली झूठ बोलने के लिए। तो एक झूठे नेता से कोई भी जनता जुड़ना नहीं चाहती है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हमारा एजेंडे में था 370 हटाना है, हमने हटाया। राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, हमने राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त किया है। और अब मोदी जी ने जो गारंटी दी है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो हमें लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सर, पश्चिम की सीटों पर कहीं ना कहीं कुछ समुदाय के लोग हैं जो भाजपा से कुछ नाराज चल रहे हैं, कब तक नाराजगी दूर कर लेंगे? 19 अप्रैल को मतदान भी होना है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और जनता के बीच में कोई अनबन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की सारी जनता जुड़ी हुई है। 80 करोड़ गरीब जनता जो लगातार मोदी जी के राशन से और बाकी और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ के बात कर रही है, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग अगर कहीं नाराज भी हैं तो उनसे बातचीत करके सम्मानपूर्वक समझा लिया जाएगा। तो ये थे आलोक अवस्थी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रदेश के, और साफ तौर पर कह रहे हैं यदि कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम से एक बार फिर से बड़ी रैली आज होने जा रही है, और एक बड़ा मैसेज जा रहा है, और जो मिशन 412 का एजेंडा जो रखा गया है भारतीय जनता पार्टी तरफ से, उसको कहीं ना कहीं इस रैली से जरूर बल मिलने वाला है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।